आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हे एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा डीएनए को विदलित कर डीएनए पूर्ण संयोजन को पूर्ण किया जाता है? ठीक है, हमसे पुनर्संयोजन पूछा है डीएनए का। पहला ऑप्शन है एक्सोन न्यूक्लियस, दूसरा है लाइगेस, तीसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, चौथा है प्राइमेस। अगर हम चारों ऑप्शन से देखें तो जो एक्सोन न्यूक्लियस होता है, एक्सोन न्यूक्लियस डीएनए को काटता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बेसिस को काटता, पर वह बाहर की तरफ से निकालता है, बाहर की तरफ से ही डीएनए को काट देता है, बाहर की तरफ से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को काट देता है। हमारा लाइगेज जो होता है, लाइगेज हमारे दो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, तो हम ये कह सकते हैं ये डीएनए को जोड़ने में मदद करता है, यह डीएनए को जोड़ता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ये डीएनए को काटता है, डीएनए को अंदर की तरफ, अंदर से जो बीच में न्यूक्लियोटाइड होते वहां से ये डीएनए को अंदर की तरफ से काटता है या तोड़ता है या विदलित करता है। और जो हमारा प्राइमेज होता है, प्राइमेज आरएनए के प्राइमर को बनाता है, आरएनए के प्राइमर को बनाता है, प्राइमर को बनाता है। और हम डीएनए के पूर्ण संयोजन के दौरान हमेशा डीएनए को अंदर की तरफ से काटते हैं, इसलिए एक्सोन न्यूक्लियस को यूज ना करके हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं। हमारा उत्तर होगा सी, रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।